हेलो गाइज, पिछली वीडियो में कुछ बंदों ने कमेंट किया था कि क्लैन वगैरह जो हमारे क्लैन है वो ट्रांसफ़र होंगे क्या, और जो न्यू करेक्टर वगैरह आ सकते हैं इंडियन वर्जन में। और गाइज, डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आएगा जिस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। और गाइज, इस वीडियो के अंदर जो एक रोल पास का गिव अवे रह गया था वो है आपको इस वीडियो के नीचे अपनी पबजी करेक्टर आईडी कमेंट कर देने में, उसे किसी भी एक बंदे को पिक करके ऑटो कमेंट पिकर से रॉयल पास दे देंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। डाटा ट्रांसफर को लेकर भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। आज ही कहा था भाई ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि जो कुछ भी, मतलब कि जितने हमने मेहनत करी थी और जितने हमने पैसे लगाए थे गेम में, वो सब कुछ हमें मिल जाएगा वापस वैसा का वैसा। और ये सिर्फ 2 सितंबर तक नहीं, बल्कि अभी तक हमने जो कुछ भी लिया है वो सब कुछ हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा गेम में। और एक और खुशखबरी है गाइस, मतलब कि जो आईफोन वाले थे उन्हें, उनके लिए प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करी जाएगी, उन्हें सीधा ही गेम डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जब एंड्रॉयड में आएगा तभी उनका आ जाएगा, उनके लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगी, बस उन्हें सीधा ही डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा गाइज। और कुछ बंदे पूछ रहे थे कि हमारे पास आईफोन वगैरह हम कैसे प्री रजिस्ट्रेशन करें, तो भाई डरो मत, आपको सीधा ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो गाइज मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। गाइज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया था कि मुझसे हमारे जो क्लैन वगैरह हैं जिसके पास 10 लेवल है क्लैन है, 9 लेवल है, ये क्लैन ट्रांसफ़र होंगे क्या। गाइज, ये क्लैन आपके, मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आपके क्लैन आपको इंडियन वर्जन में ऐसे के ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके क्लैन भी आपको इंडियन वर्जन में देखने के लिए मिल जाएगी, टेंशन ना लो। गाइज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज, कितना डाटा ट्रांसफ़र होगा। गाइज, जो हमारा मतलब कि 2 दिसंबर, कुछ बंदे सोच रहे हैं कि 2 दिसंबर से पहले का ही डाटा ट्रांसफ़र होगा। गाइज, ऐसा नहीं है, हमारा बिल्कुल फुल डाटा ट्रांसफ़र होगा, जो भी हमने आज तक, बल्कि अभी तक जो हमने मेहनत करी है और जो अगले 4-5 दिनों में हम करेंगे जब तक पबजी मोबाइल इंडिया आता है, वो सारा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल वाले प्लेयर के साथ खेल सकते हैं क्या। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम ग्लोबल वाले प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए है गेम, और इंडिया में इसका जो मतलब कि जो हमारा डाटा वगैरह रहने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम ग्लोबल वाले प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। वैसे आई डोंट नो, आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे बता देना। गाइज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रेट और सिल्वर यूज़ करेंगे। गाइज, आप क्रेट तो यूज़ कर दो, मतलब कि जैसे कोरियन वर्जन में और ताइवान वर्जन में अलग क्रेट हैं। गाइज, आप सिल्वर यूज़ मत करो, क्योंकि सिल्वर में इंडियन वर्जन में मुझे लगता है कुछ नए मतलब कि आइटम वगैरह मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मैं आपको आईडी ट्रांसफ़र करके आगे बता दूंगा उसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप आईडी ट्रांसफ़र करने से पहले यूज़ कर लेना सिल्वर को, अभी तो रहने दो। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। और गाइज, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो। और भी एक बहुत मतलब कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि जो करेक्टर वगैरह हैं, मतलब कि जैसे कार्लोस, सारा, एंडी वगैरह जो कुछ भी करेक्टर हैं, ये मतलब कि इनके साथ कोई न्यू करेक्टर वगैरह ऐड हो सकता है कि पबजी मोबाइल इंडिया में, मतलब मुझे लगता है कि अभी तो कोई करेक्टर वगैरह ऐड होकर नहीं आएगा, मतलब कि आगे जितनी अपडेट आएंगी पबजी मोबाइल इंडिया की उसमें मतलब कि मुझे लगता है कि करेक्टर वगैरह इंडिया के ऐड कर दिए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।